नमस्कार, आदाब। मैं आपको आज का सुना रहा हूं कृष्णचंद्र के नॉवेल गद्दार। अब तक इसके 7 हिस्से मैं आपको सुना चुका हूं। आज मैं आपको सुना रहा हूं इसका 8वां हिस्सा, 8वीं किस्त, गद्दार। दूसरे दिन शरणार्थियों के कैंप में ढूंढते ढूंढते आखिर मैंने अपने खानदान वालों को ढूंढ लिया। वाजह रहे कि हिंदू और सिख जो उधर से लुट लुटा कर आते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है, और इधर से जो मुसलमान लुट लुटा कर उधर जाते हैं उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। हिंदू कभी मुहाजिर नहीं हो सकता और मुसलमान कभी शरणार्थी नहीं हो सकता। शदीद से शदीद मुसीबत में भी ये तफरीक रवा रखी जाती है। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मारे खुशी के रोने लगे। मेरी बीवी एक अलग कोने में एक मैला कुचैला पेटी कोट और ब्लाउज पहने बैठी थी और उसके तन पर और कोई कपड़ा ना था क्योंकि वो उस हालत में घर से भागी थी। मैंने उससे पूछा, मुन्ना कहाँ है? वो कुछ ना बोली। चंद लम्हे अपने पाँव के अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। आखिर में मेरे पाँव पकड़कर रोने लगी। मेरी कुछ समझ में ना आया। आखिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि मुन्ना को मुसलमानों ने मार डाला। वो तो तुम्हारी बीवी को भी ले जाते मगर वो बेचारी किसी ना किसी तरह बच गई, मगर बहन को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गए। मदद देर में पहुंची। बहन सरोज की, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। फिर मैं धम से फर्श पर बैठ गया क्योंकि मेरा सारा बदन कांप रहा था और मुझ में खड़े रहने की सकत ना रही थी। खून मेरे रुखसारों में चढ़ा आ रहा था और मारे गुस्से के मेरे कान बजने लगे थे और मैं महसूस कर सकता था कि मेरे लहू में एक तूफान सा उबल रहा है। मैंने जोर से अपनी कनपट्टियों को पकड़ लिया क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा दिमाग अभी अभी फट जाएगा। नहीं नहीं, मैंने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हजारों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे भाई ने मुझे सबर दिलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब तक मैं अपने आप को एक बेहद रवादार, गैर मुतासिब हिंदू समझता था जिसके हल्के अहबाब में अक्सरियत मुसलमानों की थी, जिसने आज तक किसी फिरके वाराना तहरीक में, किसी ऐसी सियासी और समाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया था, जिन्होंने गुज़श्ता 50 साल से पंजाब की फिजा को मुतअफ़्फ़िन कर रखा है। अब तक मुझे अपनी रोशन ख्याली और आज़ादी पर बड़ा नाज था, लेकिन अपने बच्चे के कत्ल और बहन के अगवा का किस्सा सुनते ही जैसे मेरा खून उबल पड़ा, लावे की तरह खोलने लगा और मैं वहीं बैठे बैठे मुसलमानों को मुगल्लज़ात बनाने लगा। ये नफरत कहाँ से मेरे दिल में आ गई थी? अपने एहसास की शिद्दत और नौइयत पर मैं खुद एक लम्हे के लिए हैरान भी हुआ, मगर फिर इंतकाम और गम व गुस्से के जज्बात के रेले में मेरे तमाम अच्छे ख्यालात खसो खाशाक की तरह बह गए और मैं जोश इंतकाम में दीवाना होकर खड़ा हो गया। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे कोई चाकू दो, चाकू, कोई छुरी दो, छुरी। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, क्या करते हो, क्या करते हो? मैं खत्म कर दूंगा, मैं जान से मार दूंगा,
मैं एक एक मुसल्ले का गला काट दूंगा। मैं जोर जोर से चीखने लगा, क्या हुआ है भाई साहब, क्या हुआ है आपको? मेरे भाई ने मुझे पकड़कर अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा, लेकिन मैंने जोर लगाकर अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद कर लिया और चिल्लाता हुआ गैज़ो गज़ब में इंतकाम की धमकियां देता हुआ वहां से बाहर निकल गया। चंद गज दौड़ने के बाद मैं रुक गया और सोचने लगा, कुछ और लोग भी तो होंगे, और लोग भी तो मेरे हमख्याल होंगे, मुझे उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। बहुत जल्दी मुझे वो लोग मिल गए। पीपल के एक तनावर माफ कीजिएगा बहुत जल्दी मुझे वो लोग मिल गए पीपल के एक तनावर दरख्त के नीचे एक लंबा क्यू लगा था। मैंने करीब जाकर एक आदमी से पूछा, जो एक फटी कमीज और एक मैली नीली सी पतलून पहने था, यहाँ क्या राशन मिलता है? वो नौजवान हंसा, बोला, हाँ यहाँ सेक्स का राशन मिलता है। क्या मतलब? वो बोला, एक मुसलमान लड़की हत्या चढ़ी है, हम लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने सामने के क्यू में खड़े हुए लोगों को गिना, मुझसे आगे 25 आदमी थे। देखते ही देखते मेरे पीछे 15 आदमी और आके खड़े हो गए। ये क्यू कब तक रहेगा? मैंने उसी नौजवान से पूछा, जब तक वो लड़की मर नहीं जाती। नौजवान ने जवाब दिया। थोड़ी देर तक तो मैं क्यू में खड़ा रहा, लोग बारी बारी आगे बढ़ते थे, फिर भी क्यू बहुत लंबा था और उस लड़की की चीखें बड़ी दिलखराश थी। खड़े खड़े मेरे दिल में कुछ होने लगा, जैसे कोई मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर धीरे धीरे मल रहा है। उस लड़की की चीखें बड़ी दर्दनाक थी। दे भरावा मैं तेरी बहन आ, देवीरा मैं तेरी बहन आ। मैंने अपने दोनों कानों में उंगलियां दे ली और वहां से भाग खड़ा हुआ। वो फटी कमीज वाला नौजवान अपनी मैली पतलून सहलाता हुआ मेरी तरफ जोर से कहकहा मारकर बोला, बुजदिल। मगर मैं वहां से सरपट भाग लिया। भागते हुए अपने गानों पर तमाशे मारते हुए रोते रोते मैं अपने दिल को वापस जाने पर मजबूर करने लगा। मैंने मुन्ना की भोली सूरत को अपनी यादों के कटहरे में लाकर खड़ा किया। मैंने अपने जज्बे इंतकाम के लिए अपनी बहन सरोज की मासूम सूरत का सहारा लेना चाहा, मगर हर बार सरोज की सूरत पिघल जाती और पिघल कर उस मुसलमान लड़की की सूरत में बदल जाती। मेरी रूह के वीरानों में ऐसे अजली औरत की पुकार गूंजने लगी और चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगी, दे भरावा या दे भरादा, दे वीरा, वीरा मैं तेरी बहन आ। भागता मैं पुल को जाने वाली सड़क के करीब चला गया। मुसलमानों का एक काफिला गुजर चुका था, सिर्फ चंद लोग बाकी रह गए थे। सड़क से उतर कर चंद गज के फासले पर कच्ची जमीन में वे एक कब्र खोद रहे थे। करीब एक देहाती मुसलमान की लाश पड़ी थी, सिर्फ धड़ पड़ा था, जिसके ऊपर उन्होंने कपड़ा डाल रखा था, फिर भी सर कहीं नजर ना आता था। मैंने इधर उधर देखा, सड़क पर एक बुढ़ा मुसलमान एक सर को दोनों हाथों में उठाए हुए चला आ रहा था। वो बार बार अपने आंसू पोंछता, अपने हाथों में रखे हुए सर को देखता
और दहाड़े मार मार कर रो रो कर कहता, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आसपास के लोग चुप खड़े थे। बुढ़ा बेसर की लाश के पास आके दो जानू हो गया। फिर वो पागलों की तरह सर को धड़ से जोड़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और वो धीरे धीरे कह रहा था, मेरा बेटा, मेरा बेटा। सब लोग चुपचाप खड़े थे। मेरा एक ही बेटा था, फज्जा, बुड्ढे ने जमीन से आसमान तक देखकर कहा। एक ही बेटा, मेरा फज्जा। कब्र खुदती रही, गहरी होती गई। बुड्ढे ने आखिरी बार अपने बेटे की पेशानी को छुआ। फज्जे का माथा चमक रहा था और उसकी पेशानी पर घुंघरियाले बाल उलझ गए थे और उसके होंठ पतले पतले और निहायत खूबसूरत थे। वो अपने खामोश सोते हुए चेहरे से तक्षशिला के अजायब घर में रखी हुई बुद्ध की किसी मूरत से मुशाबे था। कब्र खुद गई। दूर से सत श्री अकाल और हर हर महादेव के नारों की आवाज आने लगी। कब्र खोदने वालों ने जल्दी जल्दी से लाश को कब्र में सरका दिया और उसके ऊपर मट्टी डालने लगे। पहले तो बुड्ढे मुसलमान ने उन्हें रोका, मगर जब दो एक आदमियों ने उसे जोर से झिड़क दिया तो बुड्ढे ने बेबस होकर दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद कर लिए। सत श्री अकाल, हर हर महादेव। जल्दी जल्दी से उन लोगों ने कब्र को मिट्टी से भर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। सिर्फ बुड्ढा उस कब्र पर बैठा सूरह फातिहा पढ़ता रहा। सब तारीफ वास्ते अल्लाह के, परवरदिगार, आलिमों का बख्शिश करने वाला मेहरबान खुदावंद, दिन जजा का तुझी को इबादत करते हैं और तुझे से मदद चाहते हैं। दिखा हमको राह सीधी, दिखा हमको राह सीधी। राह उन लोगों की है कि नेमत की है तूने ऊपर उनके, सो उनके जो गजब किया गया है ऊपर उनके और न गुमराहों का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सत श्री अकाल, हर हर महादेव। हवा में बरछे चमके और बुढ़े मुसलमान का जिस्म चार टुकड़ों में तकसीम हो गया। मरने वाले की जबान पर आखिरी नाम खुदा का था और मारने वाले की जबान पर आखिरी नाम खुदा का था। और अगर मारने और मारने वालों के ऊपर, बहुत दूर ऊपर, कोई खुदा था तो बिलाशुबा बेहद सितम जरीफ था। मैं वहां से भाग लिया, लेकिन अब मेरी समझ में बिल्कुल यह नहीं आ रहा था कि मैं यहां से भागकर जाऊं तो कहां जाऊं। दूसरे दिन सुबह हमारे कैंप में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा काफिला पुल पर से गुजरेगा दोपहर के वक्त। लगभग 40-50 हजार अफराद पर यह काफिला मुश्तमिल होगा। इस खबर को सुनकर हिंदू और सिख नौजवानों की खुशी से बाँछें खेल गईं और वो लोग हमले की तैयारियों में मुनहमिक हो गए। नवाही देहात के जाटों को भी मदद के लिए पुकार लिया गया और तमाम इंतजामात जल्दी जल्दी मुकम्मल किए। ये तो बिल्कुल तय था कि पुल का निगरान अफसर, माफ कीजिएगा, ये तो बिल्कुल तय था कि पुल का निगरान अंग्रेज अफसर
पूरे काफले को एक साथ निकल जाने का हुक्म न देगा, क्योंकि वक्त पहले से बच चुका था। 2 घंटे के लिए पुल को रावी पार से आने वाले हिंदू काफिलों के लिए खोला जाता था और 2 बारी दोनों तरफ के काफिले गुजरते थे। लेकिन काफिले इतने बड़े होते थे कि सब लोग उन 2 घंटों में नहीं गुजर सकते थे। फिर बिलुम काफिले के पहले हिस्से में मदाफत का इंतज़ाम भी उम्दा होता था। जू जू लोग काफिले की दुम बनते जाते थे, ये मदाफती निज़ाम ढीला होता जाता। इसीलिए दोनों तरफ से जो लोग इन काफिलों पर हमला आवर होते थे वो काफिले के पहले हिस्से को खैरे से गुजर जाने देते, और जब अंग्रेज अफसर पुल के बीच में खड़ा होकर हाथ के इशारे से काफिले को रोक देता तो आगे जाने वाले तो अपनी जान की खैरियत बनाते हुए जल्दी से गुजर जाते, लेकिन पीछे रह जाने वाले काफिले के लोगों पर हवाइयाँ उड़ने लगती, क्योंकि ये सबको मालूम था कि अब पुल 2 घंटों के बाद खुलेगा। बस हमला अवर उन्हीं 2 घंटों को गनीमत जानकर बाकी मानदा काफिले के कमज़ोर हिस्सों पर हमला कर देते थे और सैकड़ों इंसान लूट कर घायल करके और जान से मार कर भाग जाते थे। रावी के दोनों किनारे पुल के इधर भी और उधर भी हिंदुओं सिखों और मुसलमानों की लाशों से पटे पड़े थे। दोपहर के वक्त मैं भी पुल से कोई 200 गज दूर सड़क के करीब खड़ा होकर गुजरते हुए मुसलमानों के काफिले को देखने लगा। कुछ लोग खामोश खड़े थे, कुछ लोग फिक्रे कस रहे थे। जो जितना बुढ़ा था उतनी ही मुगल्लज़ात काफिले के मुसलमानों को सुनाता था, और वो लोग सर झुकाए चले जा रहे थे, गठरियां उठाए हुए, बच्चों को बगल में दाबे हुए, ऊपर चारपाइयां और चारपाइयों पर सामान रखे हुए, कमज़ोरों को सहारा देते हुए, बच्चों को डांटते हुए, अपनी बहू बेटियों को हाथ से पकड़े चल रहे थे। एक कमज़ोर मुनहनी से हिंदू लड़के ने अपने करीब से गुजरते हुए एक मुसलमान लड़के पर थूक दिया। मुसलमान लड़के का चेहरा तंबका उठा, उसने बिजली की सी तेजी से घूसा ताना और सड़क से बाहर निकलने ही को था कि उसके बाप ने उसे पकड़ लिया और झिड़क कर उसे सड़क से हटाकर दूसरी तरफ कर लिया। और फिर वो चलते चलते उस हिंदू लड़के और उसके साथ खड़े हुए नौजवान हिंदुओं से माजरत के अंदाज में बोला, माफ करना, बच्चा है ना। हिंदू लड़का जो पहले तो डर के मारे पीछे हट गया था, अब शेर होकर आगे बढ़ाया और अपनी बारीक मुनहनी आवाज में मुसलमानों को गालियां देने लगा। उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी बहादुरी पर बेहद खुश हो रहे थे। एक अधेड़ उनका हिंदू बोला, देखो इन सालों की इस वक्त जान निकल रही है, क्यों नहीं करते? और इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में दामाद की तरह से घूमते थे और मस्जिद के आगे जरा सा बैंड बजाने से सीखपा हो जाते थे, और अब हम गाली भी देते हैं तो कैसे खामोशी से सुनकर चले जा रहे हैं? इनकी एक मोटी गाली दी। यकायक सड़क पर चलते हुए एक अधेड़ उम्र के मुसलमान पर उसकी नजर पड़ गई और गाली आधी ही उसके मुंह में रह गई। वो हैरत से उस मुसलमान की तरफ देखकर
हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से मुतासर होकर चीख उठा, ओए अहमदिया, अहमद यार ने अपने सर की गठरी को जरा ऊपर उठाकर सड़क के बाहर देखा जिधर से आवाज आई थी, फिर पहचान कर खुशी से चिल्लाया, ओए नत्थू, सुअर दा पुत्रा, तू किथे? अहमद यार और नत्थू दोनों गले मिल रहे थे और रो रहे थे। मालूम हुआ दोनों एक कस्बे के मोची थे। बचपन, लड़कपन और जवानी का कुछ हिस्सा इकट्ठे गुजारा, फिर तलाशे माश में एक मोची लाहौर चला गया, दूसरा जालंधर। अब बरसों के बाद दोनों गले मिल रहे थे और रो रहे थे। नत्थू बोला, तू मेरे घर चल के रहे, कोई तेरी तरफ आंख उठा के तके? नहीं नत्थू, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, अब नहीं रह सकता। अहमद यार ने अपना तहमद उठा के अपनी पिंडली का जख्म दिखाया जिस पर एक गंदी सी पट्टी बंधी हुई थी। वो तो मेरी किस्मत थी, मैं बच गया, अहमद यार बोला, मगर जालिमों ने मारने में कोई कसर ना रखी थी। मेरा भी यही हाल इधर हुआ, जवान पुत्र रास्ते में मारा गया। कौन, घसीटा? अहमद यार ने अफसोस करते हुए कहा। हाय हाय, इस जमाने को क्या हुआ है नत्थू, बैठे बिठाए क्या हुआ? अरे हम तो जालंधर में भी जूते बनाते थे और लाहौर जाकर भी जूते ही बनाएंगे, फिर झगड़ा किस बात पर है? नत्थू की समझ में कुछ ना आया तो उसने सर पर हाथ फेर कर और अपनी कनपट्टी के बालों को खुजाकर कहा, जवानी की हवा ही खराब है अहमद यार। अच्छा मैं चलूं, अहमद यार जल्दी से बोला, नहीं तो काफिला निकल जाएगा। दोनों दोस्त आखिरी बार एक दूसरे से बगलगीर हुए। जब अहमद यार आगे चला गया तो पीछे से नत्थू ने जोर से चिल्ला के कहा, चक बख्तियार खां के चाचा अब्दुल गनी को मेरा सलाम कहें। दूर से हच्चा हच्चा ये कहकर अहमद यार काफिले में गुम हो गया। जब नत्थू अपने दोस्त से बातें करके मुड़ा तो उसके सारे हिंदू माफ कीजिएगा जब नत्थू अपने दोस्त से बातें करके मुड़ा तो आसपास के सारे हिंदू घूर कर उसे देख रहे थे, जैसे उस पर नफरतें भेज रहे हों। नत्थू के चेहरे पर एक खिसियानी सी हंसी आई, उसने अपने बचाव में कुछ कहना चाहा, मगर जेरे लब कुछ बड़बड़ा कर रह गया और जल्दी से सर झुकाकर वहां से खिसक गया। उस वक्त जाने मेरे दिल में क्या आई, मैं अचानक कदम बढ़ाकर काफिले के अंदर हो लिया और मुसलमानों के साथ साथ चलने लगा। सिर्फ एक आदमी ने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम यहां कैसे? मैंने फौरन कहा, यहां तक हिंदू बन के आया था, अब अपने वतन जा रहा हूं पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। उस मुसलमान ने मुस्कुराकर कहा, उसका शुबा दूर हो गया था, और ना भी होता तो मुझे कोई परवाह ना थी। मैं बड़ी दिलेरी से 2 गज के फासले तक यानी पुल तक तो जा सकता था, पुल तक तो मुझे किसी किस्म का डर ना था। काफले के 2 रोया हिंदू और सिख खड़े थे पुल तक। पुल पर अंग्रेजों की फौज थी।
मगर पुल तक तो हर हिंदू शेर था और 100,000 मुसलमानों का भारी था। इसलिए मैं बेखतर होकर काफिले में उन लोगों के साथ चला और चलने लगा। मैंने अपने करीब बाएं तरफ के एक सफ़ेद रीश बुड्ढे से पूछा, बाबा तुम कहाँ से आ रहे हो? मोरपिंड से आया हूँ बेटा, तुम्हारा खानदान कहाँ है? बुड्ढे ने कहा, कब्र में। मैं चुप हो गया। बुड्ढे के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। आखिर बड़ी मुश्किल से वो अपने जज्बात पर काबू पाकर बोला, मोर पिंडे के सिक्कों ने मेरी तीनों बेटियां रख ली और मेरे तीनों बेटों को कत्ल कर दिया। अगर वो मुझे और मेरी बुढ़ी बीवी को मार डालते तो हम दोनों का बड़ा एहसान करते। बुढ़े की दुबली पतली खूसर बीवी अपने सफ़ेद बाल बिखराए उसके साथ चल रही थी। उसने अजीब मुस्कुराहट से अपने मियाँ की तरफ देखा और होंठ पर उंगली रख ली, शोर मत करो, मेरा बेटा जाग जाएगा। बेटा? मैंने पूछा। हाँ, वो मेरी तरफ झुककर राजदाराना लहजे में बोली, मैं हामेला हूँ ना, हामेला, मेरे पेट में मेरा बेटा है। यकायक वो मुझसे पीछे हटकर सीधी तनकर खड़ी हो गई और जोर जोर से अपना पेट बजाने लगी। मैं गाभिन हूँ। उसकी हंसी की चीखें मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। मैं वहीं खड़े का खड़ा रह गया। बुढ़ा मुसलमान अपनी पागल बीवी को घसीटता हुआ आगे ले गया। अब मैं फिर काफिले के साथ चल रहा था। जाने मेरे दिल में क्या बात थी, मैं क्या चाहता था, मैं क्यों लोगों के साथ चल रहा था, मुझे खुद मालूम ना था। मगर मुझसे उस काफिले से अलग भी ना रहा जाता था। अब के मेरे साथ खुशहाल और मुहज़्ज़ब मुसलमानों का खानदान चल रहा था। सूरत शक्ल से, अतवार से, गुफ्तगू से, चाल ढाल से ये लोग पढ़े लिखे और मुतमद्दिन मालूम होते थे। उन लोगों के लिबास गो महले थे लेकिन आला किस्म के कपड़े मालूम होते थे। दो फ्रॉक पहने हुए 8-10 बरस की बच्चियां थीं, एक 14 बरस का लड़का था जिसके चेहरे पर खत सब्जा का आगाज हो चुका था। लड़के ने नीली धारीदार की शर्ट और ब्लू ब्लैक रंग की निक्कर पहन रखी थी। वो अपनी दोनों बहनों को संभाले हुए चल रहा था। उसके बाप ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ रखा था जो बुरका ओढ़े हुए थी। उस मुसलमान ने मेरी तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है, अब हम पाकिस्तान तक आ पहुंचे हैं। रास्ते में खैरियत रही? मैंने पूछा। उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगले 2 घंटों के बाद हम पाकिस्तान में होंगे। वो सामने रहा, हमारा नया वतन। एक अजीब गुरूर और मुसर्रत से सबके चेहरे मुझे सरशार और मसरूर नजर आए, जैसे उनके चेहरों पर कौज़े कज़ा के सारे रंग बिखर गए हों। उन सबके कदम बेसाख्ता पुल की जानिब बढ़ते हुए तेज तर होते गए। मैंने अपनी चाल धीमी कर दी, वो लोग आगे बढ़ गए। अब मेरे साथ एक लड़की चल रही थी और यकायक मुझे महसूस हुआ जैसे पूरे काफिले में वो भी मेरी तरह अकेली है। मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और कहा, तुम हिंदू हो ना? मेरी बात सुनकर वो ठिठकी, ठिठक कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, लेकिन मैं उसके चेहरे के बदलते हुए जज्बात से पहचान गया था
ये मेरा तीर निशाने पर बैठा है। बूटा सा कद, सुनहरे बाल, सुनहरे गाल, सुनहरी ठोड़ी, गुलाब की सी रंगत, माफी दे, गुलाब की सी रंगत वाले पतले पतले लब, लचकती हुई कमर, उभरा हुआ सीना, चाल में तफाकुर और चाल में तफाकुर और हुस्न मजबूती और बेनियाजी, कानों के तिलाई बुंदे हिलते हुए, आंखों की पुतलियां एक दर्दनाक ख्वाब में गिरफ्तार। तुम कौन हो? मैं पार्वती हूं। कहां से आई हो? चंपा कला से। कहां जा रही हो? पाकिस्तान। पार्वती, तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो? वो मेरे महबूब का वतन है। तुम्हारा महबूब? वो मेरे गांव का रहने वाला था, इम्तियाज उसका नाम था। उसका बाप हमारे कस्बे का एक बहुत बड़ा जमींदार था और कट्टर मुस्लिम लीगी था। मेरा बाप गांव का सबसे बड़ा सेठ था और कट्टर आर्य समाजी था, मगर इम्तियाज मुझसे प्यार करता था और मैं उसे चाहती थी, और हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे, एमए में। पाकिस्तान बन जाने पर इम्तियाज के माँ बाप अपने सारे खानदान को लेकर हवाई जहाज से लाहौर चले गए, मगर इम्तियाज नहीं गया। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। उसने अपनी पार्वती के लिए अपना प्यारा वतन छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उससे शादी का वादा किया था। फिर सर झुकाए खामोशी से वो देर तक मेरे साथ चलती रही। आखिर में आहिस्ता से बोली, शादी से पहले मेरे बाप ने उसे मरवा डाला। मेरे इम्तियाज को हिंदू गुंडों से मरवा डाला, इम्तियाज जिसने हम पर भरोसा किया था, हीरा इम्तियाज, बड़ा खूबसूरत जवान और तगड़ा था, मगर वो अकेला था और वो लोग बहुत से थे। और जब मैं वहां पहुंची तो उसकी लाश को चीलें खा रही थी, आंख में आंसू नहीं, लब पर एक लर्जिश नहीं, गर्दन में खम नहीं, वो सीधी सर्वकद चल रही थी। ये अजीब सी लड़की। मैंने सोच सोचकर कहा, इम्तियाज तो मर चुका है, अब तुम पाकिस्तान जाकर क्या करोगी? मैं उसकी मां के पास उसकी बेवा बनकर रहूंगी। पार्वती ने बड़े फख्र से तंग कर कहा। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। यकायक पुल करीब आ गया। पार्वती ने पुल पर एक पांव रखा। पार्वती, तुम कहां जा रही हो? लौट आओ, मासूम बेवकूफ लड़की। भला किसने महज एक तसव्वुर की खातिर अपना देश तज दिया है? औरत अपने शौहर के लिए मरती है, मां अपने बेटे के लिए जान देती है, बहन अपने भाई पर वारी जाती है। ये सब समझ में आने वाले रिश्ते हैं, खून और जन्म के रिश्ते हैं, लेकिन तुमने तो किसी से कोई ऐसा रिश्ता नहीं बांधा। तुमने तो इम्तियाज से शादी नहीं की, तुम तो उसकी बेवा भी नहीं हो। तुम्हारी कोख में उसका बच्चा भी तो नहीं है। तुम उसके खानदान, मुल्क और मजहब की भी नहीं हो। फिर हम सबको छोड़ के तुम किधर जा रही हो? अपने तसव्वुर के डोर से बंधे बंधे किस मंजिल को रवाना हो रही हो पगली? भला इस दुनिया में कोई प्यार के लिए यूं मरता है?
आदमी मरते हैं पैसे के लिए, औरत के जिस्म के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, ताकत के लिए, मुल्क के लिए, मज़हब के लिए, आखिरत के लिए, लेकिन महज एक तसव्वुर को लेकर मर जाना, सारी ज़िंदगी किसी की याद में एक अजनबी माहौल में बिता देना, ज़रा सोचो तो पार्वती कितनी बड़ी अहमकाना बात है। वापस आ जाओ। चांद जैसे मुखड़े वाली पार्वती अपने सोगवार लेकिन फूल की तरह बहकते हुए शादाब हुस्न को देखो। देखने वालों की हिंदू नजरों पर रहम करो और वापस आ जाओ। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल से इम्तियाज़ की याद को महफ कर देंगे। हम जो तुम्हारे धर्म वाले हैं, तुम्हारे मुल्क और मजहब वाले हैं, तुम्हारी सोसाइटी और समाज वाले हैं, हम जो नेकी और बदी की आखिरी परख वाले हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने मानूस माहौल के घेरे में ले आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मीठे स्वभाव से, नरम दबाव से, दम से, दिलासे से तुम्हें हम रास्ते पर ले आएंगे। हम तुम्हें उसके लिए तैयार कर लेंगे कि तुम धीरे धीरे इधर उधर देखने लगो, देखकर मुस्कुराने लगो, मुस्कुराकर तुम हंसने लगो। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हम तुमको पुचकार कर उस आग के करीब ले आएंगे जिसके गिर सात चक्कर खाकर तुम बिल्कुल किसी दूसरे अजनबी की हो जाओगी और उसके साथ डोली में बैठकर खुश खुर्रम अपने ससुराल चली जाओगी। हमने ऐसा ही किया है, हजारों साल से ऐसा ही किया है। हमसे बेहतर मोहब्बत को दफन करने वाले तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। वापस आ जाओ पार्वती, वापस आ जाओ। लेकिन पार्वती ने मुड़कर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सीधी पुल पर से गुजरती चली गई, सर कद और पुल गुरूर। और जब वो आधे पुल को पार कर गई तो यकायक अंग्रेज अफसर ने आगे बढ़कर और पुल के दरमियान खड़े होकर रास्ता रोक दिया। तो ये था नॉवेल का आठवां हिस्सा। अब चूंकि नवी किस्त दो ही सफ़ों की है तो मैं आज आठवीं और नवी दोनों किस्तों को ख़त्म कर लेता हूँ। अब सुनिए इस नॉवेल की नवी किस्त। जो पुल के उस पार चले गए थे वो खुश थे, जो इधर रह गए थे वो खौफ से लर्जा थे। वो बार बार इधर उधर अपने आगे पीछे देखते थे। उस खुशहाल मुसलमान घराने का लड़का अपनी दोनों बहनों को लेकर पार चला गया था, लेकिन ऐन मौके पर अंग्रेज ने बीच में आके रास्ता काट दिया था और उन बच्चों का मुसलमान बाप और उनकी माँ इधर रह गए थे। मुसलमान बाप ने बहुत फरियाद की, अरे देखो मेरे बच्चे उधर हैं, बस मुझे और मेरी बीवी को गुजर जाने दो प्लीज कमांडर साहब। मगर अंग्रेज अफसर नहीं माना, नाचार दोनों मियाँ बीवी पुल की एक तरफ लगकर खड़े हो गए और अपने बच्चों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। मगर अंग्रेज अफसर ने उन्हें पुल पर भी नहीं रहने दिया। आप उधर से हिंदुओं का काफला आने वाला था, इसलिए उसने उन महाजनों से पुल को खाली करा के उन लोगों को पीछे ढकेल दिया। दोनों मियां बीवी दूसरे महाजनों के साथ पुल के बाहर सड़क पर एक तरफ खड़े हो गए। वो शरीफ मुसलमान बार बार पांव पटकता था और कहता था, कैसी हिमाकत है, कैसी हिमाकत है,
ایک خاندان کو یوں ہاتھ کی جنبش سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا. اگر وہ فوجی افسر ہم دونوں کو جانے دیتا تو کیا بگڑتا تھا؟ اس کی بیوی سے سمجھانے لگی، صبر کرو، ابھی دو گھنٹے کے بعد پھر یہ پل ہمارے لیے کھلے گا. تسلی تو اس نے بھی اپنے خاوند کو ہی دی، مگر دونوں کے دل اپنے بچوں کے لیے خوفزدہ تھے اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پل کے اس پار دیکھتے تھے جہاں ان کے بچے کھڑے ہوئے تھے. اب ادھر سے ہندوؤں کا قافلہ چلا رہا تھا. پل پر سے گزرتا ہوا قافلہ سڑک پر آ گیا. سڑک کے کنارے کنارے مہاجر کھڑے تھے اور لٹے ہوئے شرنارتھیوں کو تک رہے تھے. شرنارتھی گزرتے جا رہے تھے اور تباہ حال مہاجروں کو دیکھ رہے تھے، اور دونوں کی نگاہوں میں ایک ہی سوال تھا اور ایک ہی جواب تھا. دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں کی وہ خشمگی نفرت کسی گہرے جرم کے احساس سے بوجھل ہو جاتی، اور دونوں ایک دوسرے سے نظر چرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے، جیسے کوئی بھی اس تلخ حقیقت کا سامنا نہ کرنا چاہتا ہو. میں مہاجروں کے ٹولے سے نکل کر شرنارتھیوں کے قافلے میں آ گیا اور اب ان کے ساتھ مخالف سمت کو چلنے لگا. یہ مجھے بالکل احساس نہ ہوا کہ میں نے اپنی سمت تبدیل کی ہے. ایسا معلوم ہوا جیسے میں ابھی تک اسی قافلے میں اب بھی چل رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس قافلے میں اپنے خاندان کے کئی افراد مل گئے، دو تایا زاد بھائی، ایک چچا، ایک پھوپھا اور چند بوڑھی عورتیں، اور یہ سب لوگ میرے باپ کی لاش کو چارپائی پر لاد کر لا رہے تھے جو ابھی ابھی پل کے اس طرف پر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا. تو یہ تھی نویں قسط. آج میں نے آپ کو دو قسطیں سنائی ہیں، آٹھویں اور نویں قسط. کل اس ناول کی دسویں قسط سناؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.